guys, and welcome back to my channel Sirf IAS. तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज का चैप्टर नंबर 44, जिसका नाम है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो शुरुआत में कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे कि जैसे यूपीएससी होती है सेंटर में, तो एसपीएससी होती है भाई स्टेट्स में। अब यहाँ पे सेम सेट आर्टिकल्स के 315 से लेके 323 है ना, पार्ट जो है हमारा जो 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है यहाँ पे कॉम्पोजिशन अपॉइंटमेंट वगैरह से, रिमूवल वगैरह, पावर वगैरह से लेके जो है वो एसपीएससी के। चलिए बात करते हैं कुछ कॉम्पोजिशन की। तो एसपीएससी में आपके चेयरमैन होते हैं और दूसरे मेंबर्स होते हैं, जैसा कि गवर्नर को लगता है वो अपॉइंट करता है। वहां कौन करता है? यूपीएससी में प्रेसिडेंट करता है, यहाँ पे गवर्नर करता है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं करता स्ट्रेंथ, जैसे कि यूपीएससी की नहीं करता, पर यहाँ पे पूरी तरह से वहाँ पे प्रेसिडेंट के हाथ में छोड़ देता है, यहाँ पे गवर्नर के हाथ में छोड़ देता है। फर्दर कोई क्वालिफिकेशन वगैरह भी प्रेस्क्राइब नहीं है, सब कुछ सेम है उसी की तरह, ठीक है। बस इतनी क्वालिफिकेशन है यूपीएससी की तरह यहाँ पे भी कि हाफ जो मेंबर्स हैं है ना, वो ऐसे लोग हों जिन्होंने ऑफिस करा हो, मतलब ऑफिस में रहे हो 10 सालों के लिए, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर, सेम यूपीएससी की तरह। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि जो गवर्नर है वो डिटरमाइन कर सकता है कंडीशन सर्विस की और चेयरमैन की और मेंबर्स की कमीशन के। अब कमीशन और मेंबर वगैरह जो कमीशन के हैं वो ऑफिस 6 सालों के लिए यहाँ पे होल्ड करते हैं, या फिर जब तक के लिए वो 62 साल के ना हो जाए, 62 ईयर्स के, ठीक है। वहां कितना था प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हालांकि ये जो है वो अपना ऑफिस जो है वो रिजाइन भी कर सकते हैं गवर्नर को लिख के, ठीक है, गवर्नर को लिख सकते हैं। स्टेट में गवर्नर का यहाँ पे रोल होता है, यहाँ सब कुछ गवर्नर है, वहाँ सब कुछ प्रेसिडेंट है। गवर्नर यहाँ अपॉइंट कर सकता है एक मेंबर को एसपीएससी के एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे, ठीक है। वहाँ पे एक्टिंग चेयरमैन यूपीएससी का प्रेसिडेंट कर सकता है, यहाँ पे गवर्नर कर सकता है। दो सर्कमस्टेंसेज में सेम सर्कमस्टेंसेज है, या तो ऑफिस चेयरमैन का वैकेंट हो और या फिर चेयरमैन जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म ना कर पा रहा हो एब्सेंस या फिर किसी दूसरे रीजन की वजह से, ठीक है। ये एक्टिंग चेयरमैन तब तक के लिए रहेगा जब तक के लिए बाबा नया वाला चेयरमैन नहीं आ जाता। नेक्स्ट बात करते हैं रिमूवल को लेके। तो हालांकि चेयरमैन जो मेंबर्स के होते हैं, चेयरमैन और मेंबर एसपीएससी के, ये अपॉइंट गवर्नर करता है, बट लेकिन इसे रिमूव सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकता, ठीक है। प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं सेम ग्राउंड पर जैसे कि ये यूपीएससी के चेयरमैन या मेंबर को रिमूव करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब बैंक करप्ट कंगालिया, या फिर ये अपने टर्म ऑफ ऑफिस में किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हो जो कि उनकी ड्यूटीज से बाहर हो, या ये ओपिनियन प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अनफिट हो ऑफिस को संभालने के लिए, है ना, या माइंड या फिजिकली या बॉडी के उसमें। साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो है इनको रिमूव भी कर सकते हैं किसी भी दूसरे मेंबर को एसपीएससी के उसके मिसबिहेवियर को लेके भी। हालांकि इस केस में प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद ऐसा करेंगे, ठीक है, और रिमूव करेंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सुपरविजन जो कंसल्ट कॉन्स्टिट्यूशन का है वो एडवाइस करता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है यहाँ पे, ये सेम यूपीएससी की तरह यहाँ पे प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है। हालांकि इंक्वायरी के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की गवर्नर यहाँ पे, गवर्नर देखिए इंक्वायरी के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की गवर्नर इनको जो है जो मेंबर है या चेयरमैन है उसको सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, पेंडिंग द फाइनल रिमूवल ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन करता है मिसबिहेवियर को, मैंने बताया था यूपीएससी में भी सेम, कि अगर ये किसी इंटरेस्ट में है, किसी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कर रही है, या फिर ये पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी तरीके से प्रॉफिट में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में जो बेनिफिट दे रही है इसको, ठीक है। और क्या कहते हैं, फिर आगे बात करें इंडिपेंडेंस की बात कर लें, तो इंडिपेंडेंस में ये है कि यूपीएससी के केस में कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजन बनाए हैं इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल फंक्शनिंग एसपीएससी केस में बनाए, जैसे कि चेयरमैन जो है या मेंबर एसपीएससी का वो ऑफिस से रिमूव हो सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर वो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्राउंड लिखे हैं उसके बेसिस पे अगर कुछ उसके साथ होता है तो, इसलिए इसकी सिक्योरिटी टेन्योर की हो गई। दूसरी बात, जो सर्विस कंडीशन है ना, ये डिटरमाइन करी जाती है गवर्नर के द्वारा, लेकिन ये वैरी नहीं करती इसकी अपॉइंटमेंट के बाद, ठीक है। तीसरी बात, जो पूरा एक्सपेंस है, चाहे सैलरी अलाउंस वगैरह हो, कुछ भी एक्सपेंस हो, ठीक है, ये जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जो है चार्ज होता है, वहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होता है, ठीक है। चेयरमैन जो एसपीएससी के हैं, जब ये ऑफिस अपना जो है खत्म कर देंगे, सीज कर देंगे, तो ये एलिजिबल होते हैं, फिर समझिएगा, यूपीएससी का चेयरमैन एलिजिबल नहीं है किसी और दूसरे अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन समझिएगा यहाँ पे ये एलिजिबल होते हैं अपॉइंट होने के लिए चेयरमैन ऑफ द मेंबर ऑफ द यूपीएससी के तौर पर, या फिर चेयरमैन किसी और दूसरे एसपीएससी के तौर पर, ठीक है। बट जो है दूसरी कोई एम्प्लॉयमेंट, दूसरी कोई गवर्नमेंट सर्विस इनको नहीं प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है।
मेंबर यहाँ पे एसपीएससी के, अगर जो मेंबर हैं, ये चेयरमैन ने बता दिया, मेंबर जो हैं वो अगर ऑफिस अपना सीज कर देते हैं तो ये एलिजिबल हैं अपॉइंट होने के चेयरमैन के तौर पे या मेंबर के तौर पे एसपीएससी के, या फिर चेयरमैन के तौर पे एसपीएससी के या फिर कोई भी दूसरे एसपीएससी के, बट दूसरा कोई एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ये नहीं ले सकते। चेयरमैन या तो मेंबर एसपीएससी के कंप्लीट होने के बाद अपना फर्स्ट टर्म, ये एलिजिबल नहीं होते रीअपॉइंटमेंट के लिए उस ऑफिस में, दैट इज नॉट एलिजिबल फॉर दी सेकेंड टर्म। ठीक है, फंक्शंस की बात कर लें तो फंक्शन में क्या है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, अपॉइंटमेंट कंडक्ट कराना स्टेट की सर्विसेज के, कंसल्ट करना कुछ मैटर्स में पर्सनल मैनेजमेंट के, जैसे कि सारे मैटर्स जो कि रिक्रूटमेंट के मेथड से होते हैं रिलेटेड सिविल सर्विस के या सिविल पोस्ट के, या प्रिंसिपल क्या फॉलो करना चाहिए अपॉइंटमेंट में, या फिर सस्टेनेबिलिटी कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट के लिए सिविल सर्विस में, प्रमोशन ट्रांसफर के लिए एक सर्विस से दूसरी सर्विस में, ठीक है, डेप्यूटेशन वगैरह, या फिर सारे डिसिप्लिनरी मैटर्स जो कि अफेक्ट करते हैं पर्सन जो कि सर्व कर रहा हो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में, ठीक है, जैसे कि आपका विद होल्डिंग इंक्रीमेंट, ठीक है, सेंसियर मतलब सेवरल डिसेवरोवल, विद होल्डिंग प्रमोशन वगैरह, रिमूवल सर्विस का, डिसमिसल सर्विस का, ठीक है, या फिर कोई भी क्लेम रियम्बर्स वगैरह लीगल एक्सपेंसेस को लेके, कोई भी क्लेम या अवार्ड पेंशन को लेके, है ना, या ऐसा कुछ कोई भी दूसरा मैटर जो कि रिलेटेड हो पर्सनल मैनेजमेंट से। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा है कि जो गवर्नमेंट है फेल कर जाती है, द गवर्नमेंट अगर फेल कर जाती है कंसल्ट करने में एसपीएससी से इन सारे मैटर्स में, तो जो अग्रीव जो पब्लिक सर्वेंट है इसके पास कोई रेमेडी नहीं बचती है कोर्ट में। ठीक है, दूसरे शब्दों में कोर्ट जो है दैट हेल्ड दैट एनी कोई भी इरेगुलरिटी होती है अगर कंसल्टेशन में एसपीएससी के साथ में या एक्टिंग विदाउट कंसल्टेशन, तो ये इनवैलिडेट नहीं करता डिसीजन गवर्नमेंट का। ठीक है, साथ ही साथ एसपीएससी यहाँ पे एनुअल प्रेजेंट करता है एनुअली टू द गवर्नर अ रिपोर्ट। ठीक है, एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को देता है उसकी परफॉर्मेंस पे, गवर्नर ये रिपोर्ट जो है वो दोनों हाउस के सामने, यहाँ पे गवर्नर रखते हैं वहाँ पे प्रेजिडेंट रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं, उसके साथ मेमोरेंडम भी रखते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं उन सारे केसेस को जिसमें कमीशन की एडवाइस यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करी गई और क्यों नहीं एक्सेप्ट करी गई उसका रीजन भी देते हैं। आगे बताऊँ लिमिटेशंस की बात करूँ तो कुछ लिमिटेशन भी दी गई है, जैसे कि रिजर्वेशन करते वक्त अपॉइंटमेंट में या पोस्ट में इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस यहाँ पे एसपीएससी को कंसल्ट नहीं करा जाता। दूसरी बात, कंसिडरेशन अगर क्लेम का हो रहा है शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल ट्राइब्स के अपॉइंटमेंट बनाने में या सर्विस करने में पोस्ट की, तो यहाँ पे एसपीएससी को कंसल्ट नहीं करा जाता। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे एक्सक्लूड भी कर सकते हैं पोस्ट सर्विस या मैटर्स को एसपीएससी के परव्यू से, और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट करता है कि गवर्नर इन रिस्पेक्ट टू स्टेट सर्विसेज या पोस्ट ये रेगुलेशन बना सकते हैं जिसमें मैटर्स हों जिसमें जो ये कहें कि यहाँ पे एसपीएससी नेसेसरी नहीं है कंसल्ट करना। समझ में आ गई बात? तो गवर्नर जो है वो यहाँ पे सारे हर हाउस के सामने रखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के, 14 दिनों के लिए तो रखेंगे ही रखेंगे, और स्टेट लेजिस्लेचर सेम वहाँ की तरह सेंटर की तरह अमेंड या फिर जो है वो रिजेक्ट कर सकता है इनको, अमेंड या फिर रिपील कर सकता है इनको। ठीक है, रोल की बात करें अब इनके, तो कॉन्स्टिट्यूशन देखिए एसपीएससी का रोल कहता है कि वॉच डॉग मेरिट सिस्टम का है स्टेट में, वहां क्या है वो यूनियन में है या स्टेट में है, रिक्रूटमेंट सर्विस की एडवाइस करना गवर्नमेंट को, कंसल्ट करना प्रमोशन के लिए, सारी बातें एसपीएससी करता है ना, ये लिमिटेड नहीं है, ये रिकमेंडेशन वगैरह भी देता है बट ये एडवाइसरी है, आप जानते हैं इसकी बाइंडिंग नहीं है यूपीएससी की तरह। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह बनाती है इसका स्कोप एडवाइसरी फंक्शन करने के लिए एसपीएससी का, और फाइनली एसपीएससी कंसल्ट कराता है गवर्नर के द्वारा जब भी रूल वगैरह फ्रेम होते हैं अपॉइंटमेंट को लेकर जुडिशियल सर्विस में या स्टेट में। ठीक है, यहाँ पे एक अलग चीज़ है यहाँ पे एसपीएससी को लेके, वो है जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोविजन बनाता है जिसमें आपका जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनती है जिसे JSPSC बोलते हैं। ठीक है, ये होती है दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए। जब यूपीएससी और एसपीएससी क्रिएट हुए मतलब जब क्रिएट होते हैं जब क्रिएट कर रहे होते हैं डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जब क्रिएट कर गए, तो यहाँ पे JSPSC भी जो है वो क्रिएट करी जा सकती है। देखिए यूपीएससी और एसपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन अगर क्रिएट करे गए, लेकिन जो ये है JSPSC जो है ना, इसको आप एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से भी क्रिएट कर सकते हो अगर रिक्वेस्ट करती है कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर जो किससे कंसर्न है। ठीक है, इसलिए JSPSC जो है वो स्टैटरी है और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, दो स्टेट पंजाब और हरियाणा की इसने इनके पास JSPSC है, काफ़ी छोटे वक्त के लिए इनके पास रही थी ये, जब क्रिएशन हुआ था आपका हरियाणा से पंजाब का हुआ था 1966 में, तो कुछ वक्त के लिए यहाँ पे इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि JSPSC बने। चेयरमैन और मेंबर इसके अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और ये ऑफिस रखते हैं 6 सालों के लिए या फिर 62 साल के लिए। ठीक है, जो भी पहले आ जाए 62 ईयर्स या फिर 6 ईयर्स। ठीक है, ये सस्पेंड या रिमूव प्रेसिडेंट कर सकता है इनको, और ये रिजाइन कर सकते हैं लिख के प्रेसिडेंट को लेटर। ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं इसके, इनकी कंडीशन सर्विस ये प्रेसिडेंट भी डिफाइन करता है, मतलब होल सेल प्रेसिडेंट के हाथ में सब कुछ है, और ये अपनी एनुअल परफॉर्मेंस प्रेजेंट करते हैं कंसर्न स्टेट गवर्नर के साथ में सामने, और हर गवर्नर इसको फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रख देता है, मतलब उनका जो गवर्नर होता है वो रख देता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अनुसार
सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को 1926 में सेटअप किया गया था। इसमें टास्क था कि वो सिविल सर्विसेज को रिक्रूट करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने प्रोवाइड करा एस्टेब्लिशमेंट ना ही सिर्फ फेडरल सर्विस कमीशन का, बट साथ ही साथ प्रोविंशियल सर्विस कमीशन का भी करा और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी करा, दो या दो अधिक से स्टेट्स के लिए। समझ में आएंगे बात? तो मतलब आप समझ रहे हैं 1935 के हिसाब से क्या हुआ, मतलब यहाँ पे जेपीएससी वाला सेंट्रल प्रोविंस वाला हुआ, 1919 में 1926 में जो है वो फिर यूपीएससी का वो हुआ, मतलब सिविल केस के लिए। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसमें 315 आर्टिकल की बात करूँ तो यहाँ पे पब्लिक सर्विस कहता है यूनियन और स्टेट्स के बारे में, 316 कहता है अपॉइंटमेंट और टर्म इनके मेंबर का, 317 कहता है रिमूवल और सस्पेंशन मेंबर्स का पब्लिक सर्विस कमीशन के, 318 बोलता है पावर रेगुलेशन वगैरह बनाने की या कंडीशन ऑफ सर्विस बनाने की मेंबर या स्टाफ के कमीशन के, 319 बोलता है प्रोहिबिशन एज टू द होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय मेंबर्स एंड कमीशन ऑन सीजिंग द सच मेंबर्स, या 320 ये बात कहता है फंक्शंस पब्लिक सर्विस कमीशन के, 321 कहता है पावर्स टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, 322 कहता है एक्सपेंसेस पब्लिक सर्विस कमीशन के, और आखिरी में 323 बोलता है रिपोर्ट्स पब्लिक सर्विस कमीशन की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को, और आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख सकते हैं, सिर्फ आईएएस के नाम से पेज है, लाइक करके देख सकते हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम टेलीग्राम, यहाँ मैंने बता दिया, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं पीपीटीज के लिए, और अपने सपोर्टिंग कमेंट्स प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।